उद्गम से मुहाने तक नदी की अवस्था को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला, युवावस्था या ऊपरी भाग, अपर कोर्स। दूसरा, प्रौढ़ावस्था या मध्य भाग, मिडिल कोर्स। तीसरा, वृद्धावस्था या निम्न भाग, लोअर कोर्स। पहला, युवावस्था या ऊपरी भाग। जब नदी उद्गम क्षेत्र से निकलकर पर्वतीय क्षेत्र में बहती है तो उसका वेग तीव्र होता है। यहाँ इसके द्वारा कटाव अधिक होता है। इस अवस्था में तल का कटाव अधिक व तट का कटाव कम होने से वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। इससे घाटी गहरी और सकरी होती जाती है। नदियाँ अपने साथ कंकड़, पत्थर और चट्टानी टुकड़ों को लेकर आगे बढ़ती हैं। दूसरा, प्रौढ़ावस्था या मध्य भाग। नदी जब पहाड़ी भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब ढाल कम होने के कारण इसके जल की गति धीमी हो जाती है। इससे नदी में भार वहन करने की क्षमता भी कम होती जाती है। नदी इस भाग में किनारों का कटाव अधिक और तली का कटाव कम करती है, जिससे नदी घाटी चौड़ी हो जाती है। पानी का वेग कम हो जाने के कारण नदी पहाड़ी भाग से लाई गई बालू, बजरी, मिट्टी आदि को निक्षेपित कर जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। मैदानी भाग में नदी कोमल चट्टान को सरलता पूर्वक काटती है और कठोर चट्टान को नहीं काट पाती। इस कारण नदी मुड़ती हुई सर्पाकार आकृति में बहती है। मैदानी भाग में जब बाढ़ आती है तब नदी का जल किनारों से ऊपर होकर बहता है और आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। यह पानी तटों से काफ़ी दूर फैलकर अवसाद का जमाव करता है। यह जमाव बाढ़ का मैदान कहलाता है। यह मैदान उपजाऊ होती है। तीसरा, वृद्धावस्था या निम्न भाग। इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते नदी की गति अत्यंत धीमी हो जाती है। समुद्र से मिलने के पूर्व नदी अपने साथ लाए गए अवसादों को जमा करने लगती है। निक्षेप के अवरोध से नदी कई शाखाओं में बट जाती है। इस जमाव से तिकोने मैदान का निर्माण होता है, जिसे डेल्टा कहते हैं।